वो सरकार में खुद हैं तो आवाज़ उठाते रहे हैं व्यापारियों के हित के लिए, व्यापारियों की हितों की रक्षा के लिए। हमसे इनपुट लेते हैं, सारी समस्या समझते हैं, राइट डाउन करते हैं और उसके बाद वो जो भी गवर्नमेंट सरकारी को जहाँ पे भी वो अप्रोच करना है उसको बड़े स्ट्रांगली अप्रोच करते हैं। जो हिंदुस्तान की रीढ़ कही जाती है रिटेल इंडस्ट्री, रिटेल पावर, उस पर शायद कुछ फ़ायदा होगा। हमारे जो भी ज्वलंत मुद्दे रहे हैं उनको बेबाकी से प्रवीण जी ने संसद में भी उठाया है और उन्होंने व्यापारियों के हित के लिए हमेशा सदैव काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं तेज़तर्रार। जैसा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के त्रिनगर शंकर चौक के भगवान परशुराम भवन में। जी हाँ, यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। जी हाँ, ब्लड डोनेशन तो एक बहुत ही अच्छा कार्य है और नेक कार्य है, किसी की जान बचाना बहुत ही अच्छा काम होता है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे। इस वक्त मेरे साथ लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी मौजूद हैं। हमारे व्यापारियों में बहुत उत्साह है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन, जिसके राष्ट्रीय चेयरमैन श्री कैलाश लखियानी जी हैं, दिल्ली के अध्यक्ष श्री तरविंदर जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हमारे अरविंदर जी हैं, उन सब लोगों ने आज ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया मेरे जन्मदिन के मौके पर। आज और कल दो दिन में पूरे देश के विभिन्न राज्यों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे और पहला कार्यक्रम एमरा ने आयोजित किया, मोबाइल रिटेलर्स ने आयोजित किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। मेरी इस पूरी यात्रा में व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है और उनका मेरे ऊपर कर्जा है, जो मैं अपने अच्छे कामों से उनके कर्जे को कम करूँगा। सर, आपके जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य पर ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, तो आप लोगों को अवेयर करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन जीते रक्तदान, मोक्ष पाते नेत्रदान। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो ये प्रवीण जी सांसद हैं, ये व्यापारियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, प्रवीण जी खुद सांसद से पहले व्यापारी थे और हैं और शुरू से वो हमारे व्यापारियों के साथ सपोर्ट करते रहे हैं और सरकार में अब तो वो सरकार में खुद हैं तो आवाज़ उठाते रहे हैं व्यापारियों के हित के लिए, व्यापारियों की हितों की रक्षा के लिए। इस बार उन्होंने एक वाइट लेटर रिलीज़ किया अभी चार दिन पहले एमरा के साथ, जिसके अंदर उन्होंने सरकार से व्यापारियों के हित के लिए कई मांगे रखी हैं, जिनमें FDI के मिसयूज़ पे रोक लगाने के लिए, डीप डिस्काउंटिंग को बंद करने के लिए, प्राइस प्रीडेटरी प्राइसिंग को रोकने के लिए और प्राइस डिस्पैरिटी को रोकने के लिए, ऑफर डिस्पैरिटी को रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारी मांगे रखी हैं सरकार से। और हम लोग हमेशा उनकी सपोर्ट करते आए हैं। पिछले 10 सालों से हमारी उनकी एसोसिएशन है हमारी उनके साथ और हमारा पूरा मोबाइल व्यापार उनके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, दिन रात जुड़ा हुआ है। और वो भी हमें ऐसा मौका देते रहते हैं कि हम उनकी सपोर्ट करें और हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हमारी सपोर्ट करते हैं। आज हमारी दिल्ली आमरा की सारी टीम यहाँ पे हमारे साथ है। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे यूपी से आए हुए हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं UP-1 के, और हमारे सारे कोर मेंबर्स भी हैं। आप मतलब हमारे को कभी भी कोई व्यापार की समस्या हो, हमारे दिमाग में पहला नाम आता है तो वो आता है प्रवीण खंडेलवाल, तो हमारे लिए वो हमेशा हैं और रहेंगे, हमारे बड़े भाई की तरह हैं वो। जो ये सांसद जी आप लोगों के लिए कर रहे हैं, इस पे आपके क्या विचार हैं? अच्छा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? प्रवीण जी हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करते हैं जी, क्योंकि वो खुद एक व्यापारी हैं तो वे व्यापारी का दर्द समझते हैं और उस दर्द के लिए जो भी समाधान है उसके लिए वो दिल तन मन धन से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मतलब हमें कोई भी सपोर्ट चाहिए हो तो हम बेहिचक प्रवीण जी के पास कभी भी किसी भी टाइम अप्रोच कर सकते हैं, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं उस चीज़ के लिए। आप बताइए, कोई समस्या आपने फेस की हो तो उनके पास आप गए हैं, फिर क्या हुआ है, उनका जो रिप्लाई है? जितनी भी हमें समस्या आ रही हैं जो ऑनलाइन के अगेंस्ट आती हैं, उसके लिए जैसे अभी तरिंदर भाई ने बताया है वाइट पेपर रिलीज़ किया है, तो ऐसे जो स्टेप्स होते हैं उसमें वो हमसे इनपुट लेते हैं, सारी समस्या समझते हैं, राइट डाउन करते हैं और उसके बाद वो जो भी गवर्नमेंट सरकारी को जहाँ पर भी वो अप्रोच करना है उसको बड़े स्ट्रांगली अप्रोच करते हैं।
की। जी आप बताइए सर कुछ। प्रवीण खंडेलवाल जी ने आज तक एमरा को बहुत सपोर्ट किया है, ये उनके अथक प्रयास से CCI ने, अमेजन और फ्लिपकार्ट जिन्होंने देश में हम व्यापारी वर्ग का काम ख़त्म करने का खात्मा करने की कसम खा रखी है जैसा, उन पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। CCI की रिपोर्ट जो आई है जिसमें ये पता चला कि ये सब कार्टल बना के माल बेच रहे हैं और जिसकी वजह से छोटा व्यापारी या मध्यम व्यापारी आज की डेट में तरस रहा है व्यापार के लिए, उसके लिए ये पीयूष गोयल जी और निर्मला सीतारमन जी के पास हमारी सारी प्रेजेंटेशन लेके गए हैं। उम्मीद है बहुत जल्द उस पर कार्रवाई होगी, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे कुछ नकेल कसी जाएगी तो शायद जो हिंदुस्तान की रीढ़ कही जाती है रिटेल इंडस्ट्री, रिटेल पावर, उस पर शायद कुछ फ़ायदा होगा। जी तेज़ तरार न्यूज़ का पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा, आप लोग आए और कवर किया आप लोगों ने। बेसिक प्रवीण खंडेलवाल जी व्यापारी नेता रहे हैं और व्यापारी नेता से पब्लिक ने और व्यापारियों ने चुन के उन्हें संसद में भेजा है और वो आवाज़ उठाते रहे हैं व्यापारियों की। और हम एमरा हैं, हमारी टीम सदा प्रवीण जी के साथ रही है, हमारे जो भी ज्वलंत मुद्दे रहे हैं उनको बेबाकी से प्रवीण जी ने संसद में भी उठाया है और प्रवीण जी हमारे लिए हमारी बैकबोन की तरह काम करते हैं। हम सभी प्रवीण जी के साथ हैं और हम चाहेंगे प्रवीण जी इसी तरीके से बेबाकी से हमारे मुद्दों को उठाते रहें और FDI की जो गलत नीतियां चल रही हैं उनको रोकें और उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले तो प्रवीण जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, वो हमेशा व्यापारियों के हित में खड़े रहे हैं, आज तक कभी भी वो पीछे नहीं हटे हैं क्योंकि वो खुद भी एक व्यापारी हैं और उन्होंने व्यापारियों के हित के लिए हमेशा सदैव काम किया है और इस चीज़ को करने के लिए हमारी जो टीम एमरा है हमेशा उनकी सपोर्ट में खड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है कोई भी गलत नीति, कोई भी व्यापारियों के अगेंस्ट में कोई भी बात होती है कभी वो पीछे नहीं हटते, चाहे दिन हो या रात हो प्रवीण जी हमेशा सदैव खड़े रहते हैं और इस चीज़ के लिए मैं रियली अप्रिशिएट करूँगा, प्रवीण जी का सराहना करूँगा कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें ज़रूरत पड़े और वो कभी साथ देने के लिए खड़े ना हो। ये अभी हमने प्रवीण जी से लास्ट मीटिंग में जब हम मिले थे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, सारे जितने भी इंडिया के अंदर ट्रेड चलते हैं किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पे बाय बटन नहीं होता, वहाँ पे रेफरेंस होती है, डीलर मैपिंग होती है, वो डीलर को रेफ़र कर देते हैं और डीलर के पास कस्टमर को भेजते हैं। बट हमारा ट्रेड सबसे ज़्यादा नुकसान में इसीलिए आ रहा है कि ब्रांड ने अपनी वेबसाइट पे बाय का बटन रखा हुआ है विद डिफरेंट ऑफर, उसके कारण हमारे व्यापार में कमी आ रही है, उसके कारण हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उसके कारण जो इंडिया की बैकबोन है जिसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, छोटा व्यापारी, उसकी कमर टूट रही है। तो इस बार प्रवीण जी ने बड़ी बुलंद आवाज़ उठाई है और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले संसद के सत्र में वो हमारी आवाज़ को ऊपर तक लेके जाएंगे और सही पॉलिसीज़ हमारे लिए बनवाएंगे और हमारे ट्रेड में ही ये बाय बटन जो चल रहा है उसे बंद करवाने की हम उनसे मांग करते हैं और हम चाहते हैं कि वो इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें। थैंक यू। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, फ़र्ज सिर्फ ऑफ़र देने का नहीं है, उसमें पेमेंट में ऑप्शन जो आती है वो भी उन वेबसाइट में अपनी एक्सक्लूसिव पेमेंट्स हैं, जो कोई भी कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। हमारे पास रिटेल में सिर्फ एक ही कार्ड होता है और ऑनलाइन से अगर कोई खरीद रहा है तो उसमें 5-6 जितने कार्ड जाते हैं सारे कार्ड्स की ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा दिक्कत होता है कोई भी सामान बेचने के लिए। ये दिक्कत आपको कब से फेस कर रहे हो? ये जब से ब्रांड ने पिछले 2022 से पर्टिकुलरली अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किए तब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 2022 से पहले मेरे ख्याल से सारी चीज़ें बड़ी स्मूथ थी, पहले लड़ाई सिर्फ ऑनलाइन से होती थी, अब ऑनलाइन के साथ साथ हमारी ब्रांड से भी अपनी लड़ाई अलग है। ब्रांड के बाय बटन के साथ में ना एक चीज़ और है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, बाय बटन तो है साथ में उनकी एक्सक्लूसिव ऑफ़र है जो ऑफ़र सिर्फ उन्हीं के पोर्टल पे मिलेगी, उसके अलावा किसी जगह नहीं मिलेगी। हमें अगर कुछ बेचना है तो हमारे लिए अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और उनकी साइट पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है और जो ऑफ़र्स हैं वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ उन्हीं की साइट पे है, कहीं और नहीं मिलती, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है छोटे व्यापार। ये जो ऑफ़र डिफरेंस है इसी के कारण हमारा अगला मेल और अगला लेटर जो CCI में गया है उसके अंदर हमने मांग यही करी है कि ऑफ़र डिफरेंशियल ख़त्म करें, तभी व्यापारी, भारत देश का व्यापारी
अच्छा बिजनेस कर पाएगा और अपने रोटी चला पाएगा, अपनी दाल रोटी चला पाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगा। मोदी जी तो वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, और अगर व्यापारी के पास उसका धंधा ही नहीं होगा तो हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। और हम कभी भी टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट, ऑनलाइन के अगेंस्ट नहीं हैं, हम एथिक्स के अगेंस्ट हैं। अगर कोई अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, अनएथिकल तरह से FDI का यूज़ करके उसे कस्टमर एक्विजिशन पे लगा रहा है, हम उसके अगेंस्ट हैं। ऑनलाइन तो हमारा पार्ट है, हमारे साथ रहेगा, लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिस रोकने के लिए हमारी आवाज़ है और प्रवीण खंडेलवाल जी का साथ मांग रहे हैं। हमें कहा जाता है कि हम छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मतलब टर्म हमेशा हमारे लिए यूज़ होती है, पर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये छोटा व्यापारी देश में सबसे ज़्यादा टैक्स यही देता है। ऑनलाइन वाले हमेशा अपनी नुकसान दिखाते हैं, इनकम टैक्स के नाम पे वो जीरो हैं, और हम छोटे व्यापारियों को अगर इकट्ठा करें, उनका रेवेन्यू देखें, तो हम छोटे नहीं, मेन व्यापारी हम ही हैं, जिसकी वजह से देश को सारा रेवेन्यू, मैक्सिमम रेवेन्यू हम ही जनरेट करके देते हैं। हम छोटे नहीं, मेन लाइन व्यापारी हैं। हम अपने आप को डिफाइन करना चाहेंगे, आज एक चीज़ कहना पाएंगे, कोई ये ना बोले हम छोटे व्यापारी हैं, हम ऑफलाइन व्यापारी हैं, नहीं, हम इस देश के लिए मेन लाइन व्यापारी हैं और जो पूरी इकोनॉमी को स्टैंड करते हैं हम, इसलिए हम अपने आप को एक नई हमने टैगलाइन दिया, हम मेन लाइन व्यापारी हैं। हमने ये मेन लाइन का शब्द आइमरा ने इसीलिए शुरू किया है, मेन लाइन, हम देश की इकोनॉमी की मेन लाइन है, क्योंकि बाज़ार नहीं होंगे तो हमारे कल्चर ख़त्म हो जाएगा, बाज़ार नहीं होंगे तो हमारे एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, बाज़ार नहीं होंगे तो हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, सारे क्या बड़ी कंपनियों की नौकरियां करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप ख़त्म हो जाएगी, जो इंडिया की बैकबोन है। और हम मेन लाइन इसलिए कहते हैं, जो ऑफलाइन है, ऑफ का मतलब ही ऑफ हो गया, ऑफ नहीं है, मेन लाइन है, इंडिया का हम हार्ट हैं, इंडिया की बैकबोन है हम रिटेल व्यापारी, इसीलिए हमें मेन लाइन कहा जाए, हम ऑफलाइन नहीं है, हम ऑफ नहीं है, हम जिंदा है और आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ लाइक स्मृति ईरानी जी, उन्होंने भी हमको इस चीज़ को CIIT में रिकॉग्नाइज किया है इस चीज़ को लेके, और वी आर वेरी थैंकफुल कि वो और प्रवीण जी इस चीज़ को, मुहिम को लेके बहुत अच्छे तरीके से आगे चल रहे हैं, और हम उनको एज एन एमरा पूरा सपोर्ट करते हैं। आइए जानते हैं उन लोगों से जो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप में जो अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आइए जानते हैं, जुड़ते हैं उन लोगों से। सर आपका नाम? पंकज गोयल। जैसे कि आप ये ब्लड डोनेट करा रहे हैं, पहले करा चुके हैं? पहले किया है मैम मैंने। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, ब्लड डोनेट करने में तो सबको अच्छा ही महसूस करना चाहिए, ये तो लाइफ सेविंग है किसी के लिए। आप एक नई जिंदगी दे रहे हैं किसी को। बिल्कुल, हमें देने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता मैम, 3 मंथ्स में कोई भी दे सकता है एक बार। तो किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर मतलब कोई कुछ भी, जैसे ब्लड टेस्ट कराने जाते हो वैसे ही, जैसे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। ये पूरे देश भर में हमारे लिए सांसद हैं, हमारे व्यापारी की शान, हमारे सेक्रेटरी जनरल श्री पटेल जी मंच पे उपस्थित, हमारे केशवपुर जोन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र गोयल जी, हमारे रवि मानसिंह जी, हमारे यहाँ जोन के हमारे चेयरमैन श्री योगेश वर्मा जी, श्री महेश अवाना जी और हमारे ऑल इंडिया मोबाइल डेट एसोसिएशन के हमारे फाउंडर चेयरमैन श्री कैलाश विधवानी, जिनके सौजन्य से आज कल हमारे आदरणीय, हमारे दिल में बसने वाले श्री प्रवीण जी का कल जन्म दिवस है। तो क्या तुम देख रहे हो, तो कल उनका जन्म दिवस है, क्या ताली नहीं बजाओगे? बाएं हाथ वाले, बाएं हाथ वाले का हाथ मिलाओ, दाएं वाले, दाएं वाले का हाथ मिलाओ। अब खड़े होने के लिए खड़े होने गले मिलकर बैठे को बोलना, मैं पति जी आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं आपके जन्मदिन। कल हमारे आदरणीय प्रवीण जी का जन्म दिवस है, और क्योंकि हर लोग हर शख्स इनसे प्यार करता है
और इनका भी है कि जो भी मेरे लिए कोई बधाई कोई भी बधाई देने आएगा उसका स्वागत है, और उसके लिए 7 से 10 वहाँ पे निवास स्थान पे ये मिलेंगे उनका स्वागत है। और मैं केंद्र था जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोजिशन है आज कमीजे के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप का ये जो यहाँ पर आयोजन किया है मैं उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी पूरी एसोसिएशन जो यहाँ मौजूद है आपने हैबिटेट सेंटर पे इतना बढ़िया काम किया और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और परमी जी जो हैबिटेट सेंटर पे जो अभी हमारी जो मीटिंग हुई अरविंदर जी से भी आज हमारी बातचीत हो रही थी तो जिस तरीके जो आपने प्रस्ताव को श्वेत पत्र पे आपने किया है उसका जल्दी उसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होना इसलिए ज़रूरी है। 3 दिन के अंदर वह 54,000 करोड़ का व्यापार कर गए परमी जी 54,000 करोड़। तो हमें सारी उम्मीदें आपसे हैं और मैं अपनी बॉडी को और एक बार ये जरूर कहूँगा कि हम सब ये दुआ करें कि हमारे प्रवीण भाई जो हर तरीके से सक्षम है हम इनका साथ पूरा पूरा साथ देकर सब में एकता इकट्ठे होंगे तो हर चीजों का ये समाधान निकालेंगे। धन्यवाद। आप सभी ने देखा और जो प्रवीण जी हैं यानी जो सांसद हैं उन्होंने बताया कि वो व्यापारियों के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं और जो एमरा की जो कंपनी के टीम के जो मेंबर हैं उन्होंने भी बताया कि प्रवीण जी बहुत ही अच्छे ज़्यादा काम यानी कार्य कर रहे हैं जो कंपनी के व्यापारी हैं उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने साथ में ही देखा कि कैसे लोग जो यहाँ पर ब्लड डोनेट करने आए हैं उन लोगों की भी जो आपने बात सुनी। तो इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं उमा सक्सेना।